हाँ वो तू यहीं रुक। रुदाबा, 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 क्या है ये? क्या है? ये हमारे निकाह के दिन की तस्वीर और ये हमारे होने वाले बच्चे का कंग्रेजुलेशन कार्ड। मेरे कमरे में क्या कर रहा है ये सब कुछ? और कहाँ जाए? मुझसे दूर। अशर, आपकी बीवी और बच्चा आपसे दूर भला कहाँ जाएंगे? तुम इधर आओ मेरे साथ। अंदर चलो, चल अंदर आ। चले बात सुन मेरी। ना ही मैंने तेरी जैसी औरत के कभी ख्वाब देखे और ना ही तू बीवी बनने के काबिल है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम इस काबिल नहीं हो सुना? अरे तुम जैसी औरतों को जहाँ अपना पुराना महबूब नजर आता है, शौहरों को जाके छोड़ देती हो। और एक बात सुन लो मेरी कान खोल के, मैं तुम्हें कभी भी अपने बच्चे की माँ नहीं बनने दूंगा, क्योंकि जितनी सांसें मैंने तुझे दी है चुप करके गिनती रहे। जब तक मुझे तेरी मोहब्बत सच्चाई पर यकीन नहीं होता, इस घर में चुप करके बैठी रहे। सुना तुझे? बशर, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत? तेरी मोहब्बत? नाम मत लेना मेरे सामने मोहब्बत का। अरे 17-17 साल गुजर जाते तुम जैसी औरतों को, 4-4 बच्चे हो जाते हैं तब भी तुम लोग अपने पुराने महबूब को नहीं भूलती। हर वक्त तुम लोगों को वो निवाले की तरह याद आते रहते हैं, और जब वो सामने आए उसे छोड़ के भाग उठती अपने महबूब के साथ। जो मैं कहता हूँ वो कर। जब तक मुझे तेरी सच्चाई और वफादारी का यकीन नहीं हो जाएगा, उसे नहीं। कल जाके खत्म करे। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। ये तेरी माँ लगती है, जिसे तूने गुड इवनिंग कहना जरूरी नहीं समझा। I'm sorry ma'am. Good evening. It's okay. You may go. मिनट देता हूं तुम्हें।
जाओ मिल लो उससे, जो बात करनी है कर लो। मैंने कब कहा कि मैंने उससे बात करी? आंखें बोलती। पांच मिनट है तुम्हारे पास। बशर मोमिन, कैसा? बहुत प्यार करती है ये तुम लोगों से, सारी रात मुशाहिया फिल्में देखती है, जबरदस्ती हंसती है ताकि इसकी आंखों में आंसू ना आए। पांच मिनट देता हूं तुम दोनों को, जो बात करनी है कर लो। तो सर, थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हें कि पांच मिनट है तुम्हारे पास, ताया के घर। सारा, सारा की डेथ कब हुई? कौन सारा? तुम्हारी बहन। बाबू की डेथ के 6 माह बाद। मुझे याद तो करती होगी। नहीं, नाराज हो गई? नहीं, किसी चीज की जरूरत? नहीं। तुम आज भी वैसे ही हो, खुददार, अनावर। पता है बशर, जफर तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तुम्हें जैसी मदद चाहिए होगी वो देने के लिए तैयार है, बल्कि उनका अपना बैंक है। तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हें नौकरी दिलवा सकती हूँ। तुमने इंटर कर लिया है ना? थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी नौकरी में खुश हूँ। और कुछ? बेवकूफी मत करो बशर, ऐसे मौके किस्मत से मिलते हैं। मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है। अब मैं जा सकता हूँ? आपके 5 मिनट पूरे हो गए। बशर, तुम जानते हो कि मैं एक दिन भी मोमिन के साथ खुश नहीं रही। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं था? मैं उसके साथ रहती तो मैं घुल घुल कर खत्म हो जाती। मुझे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया कि मैं जफर के साथ चली जाऊं। और तुम्हारा बाप, उसकी खुद गर्जी देखो कि उसने फिर भी मुझे तलाक नहीं दी। वो तो कुदरत ने मुझे आजाद करवा दिया। आपको आजाद भी उन्होंने कर दिया था, खुदकुशी कर ली थी उन्होंने। हाँ,
मुझे पता चला था। आपकी एक रात भी नींद नहीं उड़ी ये सुन के किसी ने आपकी वजह से खुशी कर ली। इससे मेरा क्या कसूर? मैंने बहुत चाहा था कि मैं मोमिन से मोहब्बत कर सकूं, मगर मैं नहीं कर सकी। मैं जफर के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकी। हमसे भी नहीं? बेटा तुम लोगों को मैं बहुत चाहती हूँ। कैसे? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। कभी कभी बेख्तियार मेरा बहुत दिल चाहता है कि काश काश तुम जफर की औलाद होते, हम सब एक साथ होते, तो मुझे मामा उसे डैड कहते जैसे उसके बच्चे कहते हैं। क्या औलाद को चाहने के लिए जरूरी है कि उसके बाप से मोहब्बत हो? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आपको दिए गए 5 मिनट भी पूरे हो गए और मुझे भी दिए गए 5 मिनट पूरे हो गए। इससे ज्यादा देर मैं अपनी ड्यूटी से अलग नहीं रह सकता। मेरी नौकरी का सवाल है। थैंक यू वेरी मच। ये रख लो। इसकी जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से साहिर और तैयबा को दे देना। उन्हें भी इसकी जरूरत नहीं है। जिद मत करो, मैं अपनी खुशी से दे रही हूं। आप अपनी खुशी चुन चुकी हैं। मैम है? मैं हूं बशर। मुझे कहीं नहीं जाना बशर। कहीं नहीं लेके जा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे साथ बैठ के नाश्ता करना है सिर्फ। मुझे नाश्ता भी नहीं करना। अच्छा तो भूखा चला जाऊं ऑफिस? देखोगे नहीं तुम मुझे? मैं आपको खिड़की से देख लूंगी। मतलब तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हें बगैर मिले चला जाऊं, बगैर खाए चला जाऊं? बोलो। जाओ तुम।
ناشتے کا بہانہ بنایا میں نے بالکل اسی طرح سے جیسے الٹا میگزین پکڑ کے چھپ چھپ کے تم مجھے دیکھتی رہتی ہو کل بہت بکواس ہو گئی کچھ زیادہ بک بک کر گیا میں مگر مجھ جیسے ٹوٹے پوٹے جذبات والے انسان سے کیا توقع کر سکتی ہو تم یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے کتنا بھی دل چاہے کتنی بھی تیاری کی بھی ہو لیکن میں اس مشکل امتحان میں فیل ہی ہوں گا محبت نہیں ہے میرا سبجیکٹ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں کسی سے اب محبت نہیں کر سکتا کیونکہ دل بنجر ہو گیا میرا پیار کا پودا وہاں پہ اگ ہی نہیں سکتا بالکل کسی بانج عورت کی طرح جو ہر پل ہر وقت یہ دعا کرتی ہے کہ وہ ماں بن جائے لیکن اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تم خود سوچو رودابا جتنا زہر میں تم پر لوگوں پر اگلتا ہوں وہ مجھے اندر ہی اندر کتنی تکلیف دیتا ہوں زندگی سانس نہیں لے رہی ہے رودابا بلکہ دوڑے چلی جا رہی ایسے جیسے کسی نے اس کے بریکس فیل کر دی یہاں وہاں ٹکراتی لوگوں کو کچلتی سارے اصول سارے سگنل توڑتے ہوئے بس بھاگے چلی جا رہی سارے ارمان ساری خواہشیں تلخ یادوں کے موٹے موٹے پہیوں کے نیچے کچلتی جا رہی ہے سب کچھ کسی کا محبوب بننے کی خواہش کسی کا شوہر بننے کی خواہش کسی کا باپ بننے کی خواہش ہر روز میری آرزوئیں میرے ہاتھوں سے ذبح ہوتی اور پھر ڈٹائی سے پوٹتی پھر میں کچلتا ہوں پھر پھوٹتی ہیں پھر کچلتا ہوں تو نہ کچلے اس بار نہ کچلے اس بار اسے آگے بڑھنے دیں تم روتی رہی ہو رات بھر کیوں کیونکہ مجھے یہ بچہ چاہیے بشر کیوں کیا مطلب کیوں ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے بشر بہت زخم ہے میری زندگی میں میں شکایتیں کرتی لیکن میں بہت تکلیف میں ہوں اور میں نے سنا ہے کہ اولاد میں ہیلنگ ہوتی ہے میں ہیل ہونا چاہتی ہوں شاید وہ سارے زخم بھر جائے مجھے یہ بچہ چاہیے اور اس بچے کو یہ زخم بنا کے چھوڑ دو ہر ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی اولاد ہونے کے لیے نا رودابا اس ماں کا اس بچے کے باپ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو نہیں بشر پلیز اپنے ماضی سے نکل آئے حال میں آئے مجھے آپ سے محبت ہے اور اتنی زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ بات ہم جانتے ہیں پر مانتے کیوں نہیں آپ تو خود کو یقین ہی نہیں دلانا چاہتے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تمہیں لگتا ہے مجھے یقین آ جائے گا مجھے لگتا ہے آپ کو یقین آ جائے گا اسی لیے تو میں اتنی کوشش کر رہی ہوں میں نے زبردستی کسی پیار کا اظہار کر کر کے سچ مچ میں آپ سے پیار کر لیا اور اب میں زبردستی اپنے سچے پیار کا اظہار کر کر کے آپ کو یقین دلاؤں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بشر آپ زندگی کو نارمل تو ہونے دیں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں رودابا
सी उम्मीद पे जी रहा हूं कि कभी मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। मैं भी दूसरे लोगों की तरह जीना चाहता हूं, एक शौहर, एक बाप, एक भाई, एक बेटा। ऐसा होगा, अब इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चले चले, छोड़ रही बातों को, नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। हाँ तुम भी कुछ खा लो। नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। सॉरी बशर, बट कल मैं इतना डर गई, जो खुदा जानता है मेरे पे क्या गुजरी। मेरे दिमाग को थोड़ा सुकून पहुंचे तो खा लूंगी। आप खाएं। ये जूस पी लो, मैं अपने हाथों से बना के लाया हूं। वाकई यू नो, आज मुझे आपकी मोहब्बत पे शक नहीं है। आज मुझे डर नहीं लग रहा। औलाद का कमाल है बशर, मेरे ख्याल से औलाद औरत की आसाब मजबूत कर देती है, उसके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है ये। बशर, आप अपना फैसला बदलेंगे तो नहीं ना? ये बच्चा पैदा होगा ना, मुझे पता आपको बेटियां पसंद है या बेटे, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बेटियां बहुत पसंद है। आपको पता है मैं जब भी परी की शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो इतना मजा आता है। वो इतनी प्यारी प्यारी स्मोकिंग वाली फ्रॉक्स और वो पोनी टेल्स और इतने क्यूट जूते, मैं चाहती थी मेरी भी कोई बेटी हो। जूस तो पी लो पहले तुम। गॉड, जिस दिन मैं रुखसत होके इस घर में आई ना, तो मैंने एक फैसला किया था कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपके हर उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी, इसी में मेरी खुशी होगी। बस अपने शौहर के रंग में रंग जाऊंगी। अगर आप कहें कि दिन रात है, तो मैं सूरज को चांद मानूंगी, कभी क्वेश्चन नहीं करूंगी। लेकिन बशर, मैं आपकी कल वाली बात नहीं मान सकी, I'm sorry। और अगर कल वाली बात पे आप मेरे ऊपर जबरदस्ती करते ना बशर, तो मैं अपनी जान ले लेती। लेकिन अपने, थैंक यू। रुदाबा, जी बशर, शहर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई
लवली, पता है आज अगर इस ग्लास में आप मुझे जहर भी देते ना तो मैं खुशी खुशी पी जाती। आई लव यू बशर, नदी किनारे मैं खड़ी और हवतन ले के सर मैम की तबीयत खराब हो गई है, एम्बुलेंस उन्हें राणा हॉस्पिटल लेकर जा रही है। डॉक्टर को कहना कि मेरी बीवी कमजोर है, हैंडल विद केयर। आदिल के घर ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके बॉस। मैम एटलीस्ट दूध तो फिनिश कर लें आप, आपने तो लंच भी नहीं किया। नर्स बता रही है कि ना ही तुमने लंच किया ना ही डिनर, और दूध भी नहीं पी रही हो तुम। इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जिंदा कैसे रहोगी? तो क्यों जिंदा रखना चाहते हैं मुझे? बशर, मेरा मरना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सारी जंजीरें मेरी सांसों के बंद होने पे कट जाएंगी। जिसे नफरत करते हैं ना उसे मार देना चाहिए, आपकी मार देना चाहिए। उस जूस के ग्लास में आपको मेरे लिए जहर मिलाना चाहिए था। मुझसे नफरत करते हैं ना आप, हैरत की बात। आपकी तो मोहब्बत आपकी नफरत से भी ज्यादा जालिम निकली बशर, और इतनी अंधी कि दुश्मन के बेटे के लिए प्यार और अपने बच्चे के लिए खात्मा। बुलंद के होने वाले बच्चे को तो बापन के पालना चाहते थे ना आप, और अपने बच्चे को कितने प्यार से मार दिया। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे उसके बाप से नफरत करते हैं ना आप, इसकी माँ से नफरत करते हैं। एक ही तो बात हुई, इतना फर्क तो नहीं है। तुम्हें ये जुल्म अपने बच्चे के साथ क्यों? आपकी औलाद ने क्या किया था? उसे तो बख्श देते। मेरी बात को गलत मत समझे, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की आपसे मोहब्बत करने की, लेकिन मैं हार गई।
नहीं हूँ, क्या करूँ, मेरा तो किरदार ही गंदा है। आपके बच्चे ने क्या किया था, मैं आपके दिल में नहीं उतर सकी, मेरा कसूर है, उसका क्या कसूर था? अच्छा चलिए छोड़, इधर देखिए एक बात बताएं, तैयबा के बच्चे को जब आप देखेंगे या जब भाभी की परीजे को देखेंगे, परी तो जान है ना मामू की, तब अपना बच्चा याद आएगा आपको। हाँ, जब ये दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने बापों के सीने पे लिपटेंगे, तब फिर याद आएगा। जवाब दे, देखे मुझे बच्चे, इधर देखे, महसूस करें इनको, महसूस करें, ये वो आंसू है जो अपनी औलाद की मौत में बहाए जाते हैं, ये वो आंसू है जो हमारे मुस्तकबिल की मौत में बहाए जाते हैं, वो मुस्तकबिल जिसको आपने खत्म कर दिया, आपके माजी ने खत्म कर दिया। बाशर, 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 जवाब दे मुझे, अल्लाह को तो देंगे जो